फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और शाम का टाइम हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। और डिनर में आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर और जीरा राइस, उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आज हमारे गांव में बगल में शादी है, तो मेरे बाहर घर के बाहर कुआं है, वहां पे आए थे, मतलब लड़की लड़की वाले जो हैं वो आए थे यहाँ, कुछ रस्म होती है कुएं के पास, वो करने आए थे। तो उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हूँ। वो लोग डांस कर रहे थे, वो रस्म कर रहे थे, तो आप लोग को मैं इस वीडियो में मैं वो क्लिप डालूंगी, आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा गांव की शादी। आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हरा धनिया मिक्स किया है, इसको हम चलिए कुकर में उबाल लेते हैं। पालक का पानी हमने निकाल लिया है, अब इसको हम कुकर में उबाल लेंगे। इसमें हमने हरा धनिया ये डाला हुआ है, इसको भी हम एक साथ उबाल लेंगे पालक के। सारा पालक डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें हम कुकर का ढक्कन लगा के एक सीटी इसको हम आने तक इसको पका लेंगे। धीमी मीडियम फ्लेम पे हमने कुकर को गैस पे रख दिया है। अब इसको एक सीटी आने तक इसको हम पका लेंगे। और कुकर में पालक पनीर बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब चलिए इसका हम मसाला तैयार करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए हमने थोड़ा सा लहसुन की कलियां ली है, बड़ा प्याज, दो टमाटर, हरी मिर्च और यहाँ अदरक को मैंने कूट लिया है। चलिए इसे कट करते हैं।
यहाँ मैंने हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा लिया है, आपको जितना तीखा रखना है उस हिसाब से अपना तीखा रखें। मैंने थोड़ा ज़्यादा तीखा किया है। हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और हमने टमाटर प्याज सब कट कर लिया है। अब इसमें हम कढ़ाई में इसको हम डाल के थोड़ा भून लेंगे। इसको थोड़ा देर तक हम भूनेंगे। तेज आंच पे थोड़ा देर इसको हम भून लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा मसाला भून गया है। चलिए इसे ठंडा होने देते हैं और इसे मिक्सर में पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पालक भी उबल चुका है, इसको हमने पानी में से निकाल लिया है, पानी हमने अलग रखा है। चलिए इसको भी ठंडा होने देते हैं, इसको भी हम मिक्सर में पीस लेते हैं। पालक जो उबाला था उसको हमने पीस लिया है ठंडा करके। और ये टमाटर प्याज लहसुन जो मैंने भून मसाला भुना था उसको भी मैंने पीस लिया है। यहाँ कसूरी मेथी और दालचीनी का टुकड़ा, तेजपत्ता, ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये पालक पनीर मसाला और ये हमारा एक पाव पनीर, आधा किलो पालक है, एक पाव हम पनीर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने गैस पे कुकर रख दिया है, हमारा कुकर गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे, ये सरसों का तेल है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम दालचीनी का टुकड़ा और तेजपत्ता डाल देंगे। धीमी आंच पे हम इसमें जो मसाला रखे हैं ये धनिया पाउडर इसको डालेंगे और ये जीरा पाउडर और ये पालक पनीर मसाला थोड़ा थोड़ा हम सब डाल के थोड़ा देर इसको भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। ये हमने गरम पानी किया हुआ है। हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे और हमने जो ये मसाला तैयार किया था पेस्ट उसको हम इसमें डाल के थोड़ा देर भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको भूने, दो से तीन मिनट तक इसे भून ले। ये तेल छोड़ने लगेगा तब इसमें हम पिसा हुआ पालक डालेंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया, अब इसमें हम ये पिसा हुआ पालक डालेंगे। पालक को भी हम दो मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे, इसको ज़्यादा देर तक ना भूने, ये तो पहले से ही पका हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कलर कितना अच्छा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। इसमें हल्दी ना डालें, हल्दी से कलर चेंज हो जाता है। टेस्ट के अनुसार अपने नमक डाल लें। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। पालक भी हमारा भून गया है, तो इसमें हम ये पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखें, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही इसमें पानी डालें। हमने गरम पानी करके रखा है। ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा रखें,
other stock mixed. अब इसमें हम ये पनीर पनीर को आपको जैसे भी डालना है, चाहे फ्राई करके डालें चाहे ऐसे ही डालें, हमने फ्राई नहीं किया है, हम ऐसे ही पनीर डाल देंगे। पनीर हमने मिक्स कर दिया है, अब इसको हम एक सीटी पका लेंगे। धीमी आंच पे एक सीटी आने तक इसको हम पकने देंगे। धीमी आंच पे इसे रखें। देख सकते हैं हमारा पालक पनीर तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे फ्लेवर के लिए। देखिए कितना अच्छा और कितना टेस्टी रहा है। चलिए इसके इसको खाने के लिए राइस तैयार करते हैं। जीरा राइस यहाँ हम बनाने जा रहे हैं। जीरा राइस यहाँ मैंने नॉर्मल चावल लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह धो के 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया है पानी निकाल के। और यहाँ तड़के के लिए लिया है जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, फ्लावर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और यहाँ थोड़ा हरा धनिया रखा हुआ है। और यहाँ हमने हरा मटर थोड़ा भून के रखा हुआ है। चावल में हम मिक्स करेंगे। और यहाँ हमने गैस पे कुकर रख दिया है, कुकर भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालेंगे। देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये तड़का डालेंगे। तड़का भी हमारा लाल हो चुका है। अब इसमें हम ये धुला हुआ चावल डालेंगे। चावल को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अपने चावल के हिसाब से पानी रखें। देर ऐसे ही हम पकने देंगे इसको। देख सकते हैं चावल हमारा कितनी अच्छी तरह से पक रहा है। अब इसमें हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 सीटी आने तक इसको हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 सीटी आने का इंतजार करेंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर उसके बाद सर्व करेंगे पालक पनीर के साथ। देख सकते हैं जीरा राइस हमारा तैयार हो चुका है, कितना टेस्टी दिख रहा है। अब इसमें हम ये भुना मटर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम भुना मटर मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है। और इसमें हम थोड़ा ये कटा हरा धनिया डालेंगे। देख सकते हैं राइस हमारा तैयार हो चुका है खाने के लिए। चलिए इसे सर्व करते हैं पालक पनीर के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जीरा राइस और पालक पनीर तैयार है खाने के लिए। चलिए इसे खाते हैं, आप भी लोग आ जाइए। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और